था ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम किसके तेरा पूरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम सुबह के छह भी अभी बज रहे हैं और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेरा मूवमेंट होता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। भाई कसम से बता रहा हूँ इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है ना कि ये जो हाथ है आपको अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा अकड़न सा महसूस हो रहा है। बट द व्यू प्लीज नोट द राइट थिंग्स प्लीज इग्नोर द हेयर एंड दिस गमछा एज ऑल यू नो। हाँ तो मेरे चाहने वालों कुछ दिन पहले ठीक है भाई कुछ ज़्यादा ही दिनों पहले मैं अपनी फैमिली के साथ अमरकंटक गया था। हाँ यही कोई पिछले दिसंबर की बात रही होगी तब से लेकर मैंने आज तक ये वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं किया है लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा नीली नीली सी खामोशी। फाइनली वो दिन आ ही गया जब फोन में बैटरी नहीं है और जिस गांव में हम आए हुए हैं वहाँ बिजली भी नहीं है तो अभी हम आउटर में खड़े थे अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं पैदल पैदल ताकि हमें चार्जिंग करने का पोर्ट मिल सके चार्जिंग पोर्ट बट आईफोन तो आईफोन है। जो आप रोड देख रहे हैं ये अमरकंटक जाने वाला रोड है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरकंटक है। ऊंची घाटियों को और लंबे रास्तों को तय करके हमें अमरकंटक की ओर पहुँचना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर एक सनसेट व्यू और पहाड़ी के ऊपर से खाइयों को देखने के लिए एक पॉइंट बनाया गया है तो आइए सुन दी ता गल भी जरूर होनी है सुन दी ता गल भी जरूर होनी है तेरे बिना बसवादी नतिया तू सजना तेरे बिना बसवादी नतिया तू सजना। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बैरिगेट लगे हुए हैं लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं उन्होंने ये बैरिगेट तोड़ रखा है और इसके बाद जाकर व्यू का मजा लेने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे करने वालों को रोकें और आप भी ना करें तो बेहतर होगा। फाइनली वी रीच अमरकंटक टेरिटरी। अभी हम अमरकंटक प्रस्थान कर चुके हैं और अंदर आने के बाद हम यहाँ आए हैं माई की बगिया। अब यहाँ की प्रसिद्धि क्या है और मान्यता क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगा। माई की बगिया भारत के मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित एक पूजनीय तीर्थस्थल है। देवी नर्मदा को समर्पित यह तीर्थस्थल नर्मदा मंदिर के पास स्थित है। माना जाता है कि माई की बगिया वह स्थान है जहाँ देवी नर्मदा पहली बार प्रकट हुई थी। एक मुफ्त का ज्ञान यहाँ लाल बंदर आपको देखने को मिलेंगे तो उनसे आपको अपने सामानों को रक्षा करना है उनसे बचा कर रखना है। खड़ा हूँ माँ नर्मदा उद्गम मंदिर के सामने जो कि अमरकंटक का मेन मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि माँ नर्मदा नदी का उद्गम इससे ले यहीं से वो नदी का आरंभ होता है और जो कि प्रकृति से उत्पन्न है पहाड़ों से उत्पन्न ना कि अदर नदियों से मिला हुआ है। तो चलिए मैं आपको माँ नर्मदा नदी मंदिर उद्गम स्थल का दर्शन कराता हूँ। जब मैं मंदिर के पास पहुँचा तो सूरज की किरणें इसके प्राचीन पत्थरों पर नाच रही थी। मुझे इसकी दीवारों के भीतर छिपी सदियों पुरानी कहानियों का भार महसूस हुआ
नदी की शक्ति केवल इसके पानी में ही नहीं बल्कि हमें हमारे भीतर से जोड़ने की क्षमता भी रखती है। हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, अब मंदिर का द्वार बंद हो चुका है जो कि 4 बजे खुलेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्थल है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और ये जो पानी है वो आगे जाकर एक विशाल का नदी का रूप ले लेती है। यहाँ ना जाने की रियलिटी यही है, यहाँ टिकट था और कोई मतलब नहीं कि टिकट देकर अंदर जाकर पार्क ही देखने का है ना, इसलिए मैं बाहर से बना रहा हूँ। माई का बगीचा और नर्मदा उद्गम स्थल देखने के बाद हम आए हैं कपिल धारा जलप्रपात देखने को और उसके जस्ट नीचे है दूध धारा जलप्रपात जो कि उसी का एक हिस्सा है। अभी फिलहाल हमको इन पहाड़ों पे चल कर अजीब से नहीं लगता जाना होगा। ये जो जलप्रपात है वो नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर आप अमरकंटक आए हैं और इस जगह को देखने ना आए तो क्या खा अमरकंटक आए। कुछ इसी तरह से आपको पूरे रास्तों में और पूरे स्थलों में घाटियों में आपको इसी तरह के बहुत विशाल काय और बहुत ही पुराने पुराने पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार रहेगा। ये हमारे टूरिस्ट गाइड। अभी तक आप कहाँ कहाँ जगहों पर जा चुके हैं पूरे इंडिया भर में? सर सर प्लीज सर साहब बोल। टाइम लिमिटेशन की वजह से अफसोस है कि मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा, कभी दोस्तों के साथ आऊंगा तो जरूर मैं नीचे जाऊंगा। सुनील इस बार मेरे साथ आएगा तू। तो ये था अमरकंटक में कुछ भव्य स्थल। अब हमारा अमरकंटक का सफर यहीं समाप्त होता है। अब हम यहाँ से जाएंगे रतनपुर। हम इस जलप्रपात के नीचे इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम आए हैं फैमिली के साथ और फैमिली के साथ आपको समझ आता ही है कि टाइम लिमिटेशन और बहुत सारी बाउंडेशन होती है जिस वजह से हम ओपनली घूम नहीं पाते। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा तब मैं ज़रूर नीचे जाऊँगा और कपिल धारा और दूध धारा का ज़रूर मैं लुत्फ उठाऊँगा। ओके बाय। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने दादा जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। जब हम खाते